नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम की राजस्थान चुनाव यात्रा। इस समय मैं मौजूद हूं भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव सरदारपुरा बास में। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं संजीव बेनीवाल। हम इनसे चर्चा करते हैं। बेनीवाल जी, जिस तरह से गाँव में भीड़ उमड़ रही है उससे ऐसा लगता है कि आपका काम बोलता है। क्या क्या काम आपने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए करवाए? देखिए, 5 साल के लिए भादरा क्षेत्र की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, हमारी पार्टी की सरकार को मौका दिया। हमने इस इलाके में, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके में बहुत काम हुआ। आज मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ हमने 10+2 का स्कूल नहीं खुलवाया हो। और इसके साथ साथ पिछले 20 साल से एक मांग थी हमारे इलाके में, हमारे विद्यार्थियों की, हमारे नौजवानों की, हमारी प्रजा की ये मांग थी कि भादरा में सरकारी कॉलेज खुलना चाहिए। तो ये हमने, हमारी सरकार ने इसी साल में, इसी सेशन में भादरा में सरकारी कॉलेज की स्थापना की है। निश्चित तौर से सरकारी कॉलेज की स्थापना भादरा तहसील के इतिहास में एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। और इसके साथ साथ हमारे इस इलाके के अंदर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में चकबंदी, किलाबंदी, मुरबाबंदी का काम लंबे समय से लंबित था, जिसकी वजह से बाराबंदी का काम हमारा किसानों का लंबित था। और इस कार्यकाल के दौरान चकबंदी, किलाबंदी, मुरबाबंदी के काम को के लिए बजट स्वीकृत करके करीब करीब 80% काम हमने चकबंदी, किलाबंदी का उस इलाके में पूरा कर दिया है, जिससे कि निश्चित तौर से किसानों को आने वाले समय में बड़ा फायदा मिलेगा। और वैसे भी पूरे इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी रही। जब हम लोग सरकार में आए थे तो इस इलाके की लचर कानून व्यवस्था एक तरह से हमें विरासत में मिली थी, या एक तरह से भूमाफियों का, शराब माफियों का आतंक था। मैं आज ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज अच्छी कानून व्यवस्था हमने देने का प्रयास किया है, और निश्चित तौर से एक सुशासन देने का हमने प्रयास किया है भादरा क्षेत्र के अंदर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम विकास के नाम पर और सुशासन के नाम पर प्रजा से वोट मांगने जा रहे हैं। विधायक जी, जो काम आपके अधूरे रह गए उनको पूरा करवाने का, आपका जो आप बता रहे थे कि हम मूर्ति चौक पे चेतावनी देते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी भादरा विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने 5 साल में काम किया है और समस्याओं का प्रमुखता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उनको हल करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी यदि जो भी कोई बातें, कोई किसी तरह की समस्याएँ यदि थोड़ी बहुत बाकी है, तो जो विकास की गति हमने चालू की है उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, और इस गति को आगे बढ़ाते हुए जनता के हम बकाया काम करने का भी प्रयास करेंगे। आपकी जीत को लेकर आप कितने का आश्वस्त हैं? निश्चित तौर से आप देख रहे हो कि जनता जनार्दन का और हमारे मतदाताओं का, इस भादरा तहसील के नागरिकों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। और इस भारी जन समर्थन को देख करके मैं ये पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि निश्चित तौर से हम चुनाव जीतेंगे। फिर से आपको मौका मिलता है तो आपका कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा इस विधानसभा का? निश्चित तौर से यदि हम फिर से चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए भी कुछ काम जो कि हमारी सोच के अंदर हैं, जैसे कि भादरा तहसील हेडक्वार्टर पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा स्टेडियम निर्माण करने की एक मंशा है, उसको काम को भी हम हाथ में लेंगे। ये थे मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी संजीव बेनी। ने कहा कि जो काम अधूरे हैं वो भी वो जल्द पूरे करेंगे, और ख़ास करके जो इन्होंने कहा कि जो विकास के नाम पे जो भाजपा है वो वोट मांग रही है, उन्होंने विकास करवाए हैं, और ख़ास करके भादरा जैसे ग्रामीण अंचल के इस हलके में सरकारी कॉलेज खुलवाए हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।